अब एपी के प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बनाने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले जो जो चीज दिया गया रहता है उसको पहले नोट कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बराबर, क्या लिखेंगे, दिया गया है कि, ठीक है, दिया गया है कि क्या दिया गया है, देखिए ए बराबर 3.5, ठीक है। डी दिया हुआ है, डी बराबर कितना है जीरो, डी बराबर कितना है जीरो, एन बराबर 105 है। हमें क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। तो एन बराबर हो गया वाट, एन बराबर क्या हो जाएगा वाट। आइए हल करते हैं, लिखेंगे अब सूत्र से, क्या लिखेंगे अब सूत्र से, ठीक है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यह हो जाएगा एन का मान कितना है, देखिए तो नहीं दिया हुआ है, एन नहीं ना दिया है क्वेश्चन में, नहीं दिया है एन का मान, नहीं दिया है तो यहाँ एन ही रह देंगे, उतार देंगे। बराबर ए दिया हुआ है तो ए का मान कितना है बच्चों, 3.5, तो ए का मान हो जाएगा 3.5 प्लस एन माइनस वन, तो एन का मान कितना है 105, तो 105 माइनस कितना एक हो गया। और डी का मान कितना दिया हुआ है जीरो, तो जीरो। अब यह हो जाएगा ए एन बराबर 3.5 प्लस 105 में से एक घटाएंगे तो 104 गुने कितना जाएगा जीरो, ठीक है। अब यह हो जाएगा ए एन बराबर 3.5, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या में जीरो से गुणा करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है, जीरो ही आता है। 104 में जीरो से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। अब यह हो जाएगा ए एन बराबर 3.5, यही आपका क्या आएगा, आंसर आएगा, यानी एन हो जाएगा एन बराबर 3.5, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा।